think is a she. वेलकम डियर रॉकर्स, आज हम देखेंगे वेस्टर्न मूवी। दोस्तों, क्या हो अगर सारे खाने के रिसोर्स से खत्म हो जाए, दुनिया का नेचुरल इकोसिस्टम नष्ट हो जाए, लोग कैसे जिएंगे और अचानक बीच में रोबोट आ जाए तो क्या होगा, यही इस मूवी में दिखाया गया है। तो इस मूवी की शुरुआत पोस्ट एपोकलिप्टिक एरा में होती है, जब पृथ्वी का नेचुरल इकोसिस्टम बिल्कुल नष्ट हो चुका है और सिर्फ जेनेटिकली म्यूटेटेड पौधे उगाए जाते हैं। सारे जानवर मर गए हैं और ह्यूमंस के लिए नेचुरल फूड का कोई भी रिसोर्स नहीं बचा है। अब इन हालात में सिटीडल नाम की कुछ सिटीज बनाए गए हैं जहां नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, पर यहां पर सिर्फ पावरफुल लोग ही रहते हैं और आम जनता का यहां आना जाना मना है। यहां जो बीज तैयार किए जाते हैं उनसे सिर्फ एक बार पौधे उगाए जा सकते हैं और ये पौधे फल या फूल नहीं देते, इसलिए ह्यूमंस इन पौधों को खाकर जिंदा रहते हैं। सिटीडल के पावरफुल लोगों ने जक्स नाम के रोबोट्स तैयार किए हैं जो बिल्कुल ह्यूमंस जैसे होते हैं, पर इनमें इमोशंस और सोचने की क्षमता नहीं होती। इतने बदतर हालात में जंगल के बीच एक 13 साल की लड़की वेस्पर रहती है। वो अपने बीमार पिता डेरेस की देखभाल करती है और दोनों एक जेनेटिक ड्रोन के जरिए कम्युनिकेट करते हैं जिसे डेरेस कंट्रोल करता है। इस ड्रोन के जरिए ही डेरेस देखता है, सुनता है और बात करता है। अब इस सुनसान जगह पर ये ड्रोन ही वेस्पर का इकलौता साथी है। वेस्पर का हर दिन एक जैसा होता है, वो रोज खाना ढूंढने के लिए निकलती है, फिर डेरेस की देखभाल करती है और कभी कभी एक पुरानी लैब में जाकर कुछ प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट करती है। फ्यूचर की इस दुनिया के ज्यादातर लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोकेमिस्ट्री रिसर्च करते हैं और वेस्पर ने अपने एक्सपीरियंस से बायोकेमिस्ट्री सीखी है। वो पृथ्वी पर नेचुरली रिप्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स को वापस लाने के लिए रिसर्च कर रही है। हालांकि डेरेस उसको लैब में जाने से मना करता है क्योंकि वो जगह सेफ नहीं है, पर वेस्पर उसकी बात ही नहीं मानती। अब एक दिन वेस्पर और डेरेस का ड्रोन एक मुसाफिर को देखते हैं जो वहां पर पड़ा हुआ कबाड़ उठा रहा होता है। वेस्पर ने सुना है कि मुसाफिर रोगी हैं जो बेवजह कबाड़ इकट्ठा करते रहते हैं। अब वेस्पर मुसाफिर के पास जाना चाहती है लेकिन डेरेस उसको मना कर देता है क्योंकि उसकी पत्नी भी किसी मुसाफिर के साथ चली गई थी और वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। तभी घर से एक आवाज आती है। दोनों भागकर जाके देखते हैं तो किसी ने जनरेटर तोड़ दिया है। इसी जनरेटर की मदद से डेरेस अभी तक जिंदा है। अब वेस्पर जल्दी से पाइप को ठीक करती है, पर उसको एक नई बैटरी की जरूरत होती है। अब उसे डेरेस के भाई जोनस से मदद मांगनी पड़ेगी, पर जोनस बहुत ही बुरा आदमी है जो बच्चों के खून के लिए उनको जानवरों की तरह पालता है। वो बच्चों के खून को सिटीडल में बेचता है और बदले में अपने लिए बीज लेके आता है। अब वेस्पर जोनस के पास जाती है तो वहाँ पर एक बच्चा टूटी हुई लकड़ियों के बीच में फंसा होता है। वो बेचारा दर्द से चिल्लाता है लेकिन जोनस और उसके गुलाम वहीं बैठते बैठते उसके मरने का इंतजार कर रहे होते हैं। जोनस को उस बेचारे के लिए बुरा लगता है और वो अपने गुलाम से कहता है कि उस बच्चे को मार डालो, और ये देखकर सबको जोनस पर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन उनमें जोनस के खिलाफ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। अब जोनस वेस्पर से उसका खून मांगता है और बदले में उसको जनरेटर की बैटरी देने का वादा करता है। फिर खून देने के बाद जब वेस्पर बैटरी मांगती है तो जोनस कहता है कि बैटरी कल दूंगा। वेस्पर विनती करती है कि बैटरी के बिना पापा एक भी दिन जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन जोनस साफ इनकार कर देता है और वेस्पर को भी दूसरे बच्चों की तरह अपना गुलाम बनाना चाहता है। बेचारी वेस्पर अपना खून लेकर भागने की कोशिश करती है लेकिन जोनस उसको पकड़ लेता है और उसको बाहर धकेल देता है, पर वेस्पर हार नहीं मानती और वो कुछ देर बाद जोनस के फार्म में जाती है, लेकिन वहां उस मरे हुए बच्चे को काट कर उसका खून निकाला जाता है। ये देखकर वेस्पर बहुत ही घबरा जाती है लेकिन हिम्मत करके जोनस के स्टोरेज रूम की ओर भागती है। वहां जोनस का एक गुलाम खड़ा होता है जो स्टोरेज रूम का गार्ड है, लेकिन वो जोनस से शिकायत नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि वेस्पर अच्छी लड़की है। फिर वेस्पर स्टोरेज रूम से कुछ बैटरीज और बीज को चुरा लेती है और घर की ओर भागती है। तभी सिटीडल से एक कंटेनर उसके ऊपर से उड़कर जाता है। अब वेस्पर गैस करती है कि ये कंटेनर उस मरे हुए बच्चे का खून लेने और बदले में जोनस को बीज देने जा रहा है। वो तुरंत घर जाकर बैटरी को कनेक्ट करती है और अपने पिता की जान बचाती है। फिर अगली सुबह डेरेस पूछता है कि ये नए बीज कहाँ से आए। वेस्पर झूठ बोलती है लेकिन डेरेस को पता चल जाता है। दोनों में काफी बहस होती है और वेस्पर गुस्से में घर से बाहर भाग जाती है। तभी जंगल के बीच उसको एक घायल लड़की दिखती है। अब कुछ अजीब दिखने वाले क्रिएचर्स उसके शरीर से खून चूस रहे होते हैं। लगता है वो रात भर यहीं पड़ी थी। वेस्पर गैस करती है कि कल उसने जो कंटेनर देखा था वो क्रैश हो गया होगा और ये लड़की उसी में आई होगी। वो उन क्रिएचर्स को हटाकर उस लड़की को घर लेके आती है और उसके घावों पर बैक्टीरियल बैंडेज लगाती है जिससे घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगली सुबह वो लड़की उठती है तो बिल्कुल ही चौंक जाती है और अपने पिता को ढूंढती है। तब पता चलता है कि वो और उसके पिता उस कंटेनर में ट्रेवल कर रहे थे और उसके पिता उस जंगल में कहीं घायल पड़े होंगे। वो वेस्पर से कहती है कि अगर तुम मेरे पिता को ढूंढने में मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को सिटीडल ले चलूंगी। वेस्पर अपने पिता के साथ सिटीडल में एक बेहतर जिंदगी गुजारना चाहती है, इसलिए वो तुरंत मान जाती है। डेरेस तो मना करता है लेकिन फिर भी वेस्पर अपने फैसले पर टिकी होती है। उस रात वेस्पर कीड़ों का सूप बनाकर उस लड़की को देती है। वो लड़की अपना नाम कैमलिया बताती है और कहती है कि मैं सिटीडल की सिटीजन हूँ, वहाँ खाने की कोई कमी नहीं है और इंसानों के लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज भी है। तभी अचानक डेरेस को दौरा पड़ता है और वेस्पर घबरा जाती है, पर कैमलिया आकर डेरेस को किस करती है और वो तुरंत शांत हो जाता है।
कैमिला बताती है कि सिटेडल में सबके पास ऐसी पावर्स हैं जो उन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए मिले हैं। वहाँ बायोटेक्नोलॉजी में कई आविष्कार किए गए हैं, लेकिन फिर भी वे फलने फूलने वाले पौधे नहीं बना पाए हैं। अगले दिन वेस्पर कैमिला के पिता की तलाश में निकलती है और बीच जंगल में वो कैमिला के पिता को देख लेती है जो अभी जिंदा है। लेकिन इससे पहले कि वो कोई मदद करे, जोनास और उसके गुलाम वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन जोनास को सिटेडल के लोगों से काफी नफरत है और वो उस आदमी को मार डालना चाहता है। फिर वेस्पर उसकी जान की भीख मांगती है, लेकिन जोनास कैमिला के पिता को मार ही डालता है। अब कुछ देर बाद वेस्पर घर लौटकर कैमिला को बताती है कि जंगल में उसको कोई भी नहीं मिला। अब वेस्पर कैमिला को जोनास से बचाना चाहती है क्योंकि जोनास कंटेनर के दूसरे पैसेंजर को ढूंढ रहा होता है। अब वेस्पर कैमिला पर विश्वास करने लग जाती है और बताती है कि मुझे भी बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है। फिर वो उसको अपने पर्सनल गार्डन में लेके जाती है और गार्डन को दिखाकर कैमिला बिल्कुल ही हैरान हो जाती है, क्योंकि इतनी छोटी लड़की ने जंगल के बीच सिटेडल जैसा गार्डन बनाया होता है। उसमें ऐसे ऐसे पौधे होते हैं जो सिटेडल में भी नहीं पाए जाते। इनमें से ऐसे भी पौधे हो सकते हैं जो खुद रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कैमिला वेस्पर को शाबाशी देती है और बताती है कि उसके पापा भी एक जेनेटिक इंजीनियर हैं। ये देखकर वो बहुत ही खुश होंगे और कुछ प्लांट्स तो वो अपने साथ सिटेडल ले जाना चाहेंगे। पर वेस्पर कैमिला को कैसे बताए कि उसके पिता तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, उनको जोनास ने मार दिया है। घर लौटने पर वेस्पर बताती है कि मेरी माँ बहुत ही अच्छा गाती है, लेकिन पिछले साल एक दिन अचानक वो अपनी आवाज खो बैठी और उसके दो दिन बाद ही वो एक मुसाफिर के साथ चली गई। तब से वेस्पर यही सोचती है कि किसी वायरस से इन्फेक्ट होने पर लोग मुसाफिर बन जाते हैं। वो जानती है कि सिटेडल के लोग जग से अपना सारा काम करवाते हैं, पर उसका मानना है कि ह्यूमंस जग से बेहतर काम कर सकते हैं। तब कैमिला उसे बताती है कि इमोशंस और आजाद सोचना होने के कारण जग सिटेडल के लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन ह्यूमंस ऐसी गुलामी कभी नहीं करेंगे, इसलिए सिटेडल के लोग ह्यूमंस को नौकरी पर नहीं रखते। फिर रात को वेस्पर और कैमिला पुरातन जानवर जैसे कुत्ते और बिल्लियों के बारे में किताबें पढ़ती हैं। अगले दिन वेस्पर और डेरियस का ड्रोन जोनास के फार्म में जाता है, जहां पर उन्हें एक्स्ट्रा बैटरीज मिल सकती है। डेरियस का ड्रोन पहले जाता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। जोनास ड्रोन को टॉर्चर कर रहा होता है क्योंकि पिछले दिन कुछ बैटरीज चोरी हो गए थे। जोनास ने उस लड़के को भी मार डाला होता है जो कल स्टोरेज रूम की रखवाली कर रहा था। अब ये सब देखकर वेस्पर बड़ी डर जाती है। जोनास उस ड्रोन को डैमेज कर देता है, जिसके जरिए वेस्पर अपने पिता से कम्युनिकेट करती है। जोनास को शक होता है कि उस कंटेनर की दूसरी पैसेंजर वेस्पर के घर में ही है, लेकिन लाख पूछने पर भी वेस्पर कैमिला के बारे में कुछ नहीं बताती। लेकिन जोनास उसका विश्वास ही नहीं करता। किसी तरह उसको चकमा देकर वेस्पर ड्रोन को लेकर भाग जाती है। अब जोनास के गुलाम उसका पीछा करते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। फिर वो एक गर्म लोहे से उसकी पीठ पर निशान बना लेते हैं, जिससे ये पता चले कि अब वो जोनास के गुलाम है। अब उनके जाने के बाद वेस्पर घर लौटती है और ड्रोन को ठीक करने की कोशिश करती है। वो कैमिला से कुछ नहीं कहती, लेकिन अचानक कैमिला की गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अब जरा शांत होने के बाद वो कैमिला को उसके पिता की मौत के बारे में सब कुछ बता देती है। अब दोनों जंगल के बीच एक तालाब पर पहुंचती है, जहां कैमिला के पिता की लाश तैर रही होती है। कैमिला रो रो कर अपने पिता को सीने से लगा लेती है। फिर वेस्पर उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तब वो कैमिला की पीठ पर एक निशान देखती है, और ये निशान जेनेटिकली म्यूटेटेड जग्स पर ही होते हैं। तो क्या इतने दिन से उसने एक रोबोट को अपने घर में पना दी थी? और इस बात से वेस्पर बड़ी कंफ्यूज होती है, क्योंकि उसे यकीन है कि कैमिला रोबोट नहीं बल्कि ह्यूमन है। तब कैमिला बताती है कि मैं एक जग हूँ और मेरे पिता ही मेरे क्रिएटर हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने मुझमें इंटेलिजेंस भी दे दी। दरअसल मैं और मेरे पिता सिटेडल छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि एक इंटेलिजेंट रोबोट बनाने के जुर्म में सिटेडल के ऑफिसर्स मेरे पिता को सजा देने वाले थे। अब वेस्पर समझ जाती है कि कैमिला उसको सिटेडल नहीं ले जाना चाहती थी, बल्कि अपने पिता को ढूंढने के लिए वेस्पर को यूज़ कर रही थी। और इस बात से गुस्सा होकर वेस्पर कैमिला को धक्का देकर अपने पिता के पास लौट आती है और ड्रोन को ठीक कर देती है। तब डेरियस वेस्पर को समझाता है कि जग्स अपने क्रिएटर के बिना नहीं रह सकते, इसीलिए कैमिला अपने क्रिएटर की तलाश कर रही थी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। कुछ देर बाद कैमिला घर आती है और छुरी से खुद को मारने की कोशिश करती है, क्योंकि वो अपने पिता के बिना अब रह नहीं सकती। पर वेस्पर उसको रोक लेती है और कहती है कि क्या तुम मेरे नए पौधों को देखे बिना ही मर जाना चाहती हो? फिर वो कैमिला को अपना नया पौधा दिखाती है जो खुद पनपने लगा है। इस बारे में वेस्पर को बहुत रिसर्च करनी है, लेकिन कम से कम ये तो प्रूव हो गया कि फ्यूचर में जेनेटिक इंजीनियरिंग के बिना पौधे नेचुरली भी उगाए जा सकते हैं और ये धरती पहले की तरह हो जाएगी। फिर वेस्पर कैमिले का डीएनए चेक करती है तो उसमें पौधों का डीएनए भी होता है। कैमिले बताती है कि उसके पिता ने अपनी रिसर्च से ये पता लगाया था कि एक बार यूज होने वाले बीजों को भी फर्टिलाइज करके नए बीज बनाए जा सकते हैं, और इसी रिसर्च फाइंडिंग को छीनने के लिए सिटेडल के ऑफिसर्स उनके पीछे पड़े हुए थे। अब कैमिला और वेस्पर अपने इस रिसर्च फाइंडिंग के साथ सिटेडल के अंदर रिफ्यूजी बनकर जाने का फैसला करती है। वहां जाकर वे अपनी फाइंडिंग का डेमो देंगी, जिससे इंसानों की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अब वेस्पर अपने पुराने लैब में कुछ लेने जाती है, इसी बीच जोनास उसके घर आकर कैमिला को देख लेता है और जान जाता है कि वही कंटेनर की दूसरी पैसेंजर है। वो उसको टॉर्चर करने लगता है। कैमिला उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पर बात नहीं बनती। इतने में वेस्पर लौट आती है और जोनास को मारने लगती है। फिर दोनों लड़कियां जोनास के हाथ पैर पर छुरा मार देती हैं।
अब वेस्पर चाहे तो जोनस की जान भी ले सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो जोनस को अपना प्लान बताती है और उनका साथ देने को कहती है। अब जोनस कुछ देर सोचता है, लेकिन बिना कुछ कहे चला जाता है। सिटाडेल के ऑफिसर जोनस को कॉन्टेक्ट करते हैं और वो उन्हें कैमरे के बारे में बता देता है। और कुछ घंटों बाद रेड की एक अजीब सी लहर घर में घुसती है। इससे वेस्पर और कैमरे टेबल पर चढ़ जाती है, लेकिन रेड पूरे घर को अपने लपेट में लेने लगती है। अब इससे पहले कि रेड उनको छू सके, लहर अचानक रुक जाती है। दोनों सोचती है कि वे बच गए, लेकिन असल में रेड ने कैमरे को डिटेक्ट कर लिया है और कुछ देर में सिटाडेल की आर्मी कैमरे को पकड़ने यहाँ पर आएंगे। कैमरे कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस घर को छोड़कर जाना होगा, लेकिन डेरेस हमारे साथ नहीं आ सकता। पर वेस्पर अपने पिता को छोड़कर जाना नहीं चाहती, पर डेरेस उसे कन्विंस करता है कि इस बार उसे ये मुश्किल फैसला करना ही पड़ेगा। अब कैमरे और वेस्पर अपने बैग्स को पैक करके वहां से निकलती है। कुछ देर में सिटाडेल की आर्मी आ जाती है और घर को ब्लास्ट ही कर देती है। और घर को जलता हुआ देखकर वेस्पर वापस आना चाहती है, लेकिन कैमरे उसको रोक लेती है। यहाँ सिटाडेल के कुछ लोग जोनस के घर जाते हैं और उसे खत्म ही कर देते हैं, क्योंकि जोनस उनके बुरे कामों के बारे में जान गया है। अब वे जंगल में वेस्पर और कैमलिया को देख लेते हैं और उन्हें चेस करने लगते हैं। वेस्पर जंगल के सारे रास्ते जानती है, इसीलिए वो और कैमलिया एक सेफ जगह पर छुप जाती हैं। कैमलिया जानती है कि सिटाडेल के ऑफिसर्स किसी भी तरह इन दोनों को ढूंढकर मार डालेंगे। वो वेस्पर को बचाना चाहती है और खुद ऑफिसर्स के आगे सरेंडर करने का फैसला करती है, लेकिन वेस्पर उसको जाने नहीं देती। लेकिन कैमलिया उसको कन्विंस करती है और अपनी नई बेस्ट फ्रेंड से अलग हो जाती है। अगले दिन वेस्पर जागती है तो वो बिल्कुल अकेली होती है। अब उसके कोई भी नहीं है। वो बहुत दुखी होती है और अपने घर की ओर चलती है। घर बिल्कुल राख हो चुका है, लेकिन बाहर कुछ बीज होते हैं। जोनस के गुलाम भी अभी वेस्पर के साथ रहने का फैसला करते हैं। और आखिरी सीन में दिखाते हैं कि सब मिलकर जंगल के निचले हिस्से में पहुंच जाते हैं, जहां मुसाफिर रहते हैं। वहां मुसाफिरों का एक टावर होता है। वेस्पर किसी से बात नहीं करती और सीधे टावर पर चढ़ने लगती है। ऊपर पहुंचकर वो सिटाडेल सिटी का पूरा व्यू देख लेती है। फिर वो अपने साथ लाए हुए आखिरी बीजों को हवा में फेंकती है और ये आशा करती है कि ये बीज धरती पर गिरकर नए पौधों को जन्म देंगे, जो इस दुनिया को फिर से हरा भरा और खुशहाल बना देंगे। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो भी लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं ऐसी मजेदार मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।